सो आज हम मार्च के करंट अफेयर का पार्ट टू करेंगे। इसमें हमने 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 मार्च तक का करंट अफेयर कवर किया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद IBM फॉर 3 years एज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स। क्या इंट्रोड्यूस किया गया उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें उन्होंने कोलैबोरेशन किया IBM के साथ 3 साल के लिए एज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, जिससे कि वो इंक्रीज कर सके पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स। सो हमें ऑप्शन दिए स्टीम, कॉमर्स, मैथ्स या डी नन ऑफ दिस। कौन क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गर्ल्स के लिए? सो ये इंट्रोड्यूस उन्होंने किया स्टीम। स्टीम क्या है? दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। IBM अनाउंस अ कोलैबोरेशन विद समग्र शिक्षा उत्तराखंड, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड एजुकेशन मिशन टू इंट्रोड्यूस द IBM स्टीम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम इन 130 सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स अक्रॉस 5 districts इन द स्टेट। द प्रोग्राम विल एडवांस द स्किल एंड करियर ऑफ क्लोज टू 25,600 स्टूडेंट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड। सो IBM ने अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने कोलैबोरेशन किया समग्र शिक्षा उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया IBM स्टीम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम 130 सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स पे 5 districts में, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है एडवांस करेगा स्किल्स और करियर ऑफ क्लोज करेगा 25,600 स्टूडेंट्स का इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड में। सो क्या इंट्रोड्यूस किया है IBM ने उत्तराखंड की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके 3 साल के लिए एज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनरशिप, जिससे कि वो इंक्रीज कर सके गर्ल्स का पार्टिसिपेशन। सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टीम, IBM स्टीम फॉर गर्ल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु लॉन्च द साउंडिंग रॉकेट RH-560 टू स्टडी द वेरिएशन इन द न्यूट्रल विंग्स एंड प्लाज्मा डायनामिक्स। किसने लॉन्च किया है साउंडिंग रॉकेट, जिससे कि वो स्टडी कर सके वेरिएशन इन द न्यूट्रल विंग्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स। तो हमें ऑप्शन दिए DRDO, BDO, NASA, CDO, ISRO, DDO, NANO। सो ये लॉन्च किया इसरो ने साउंडिंग रॉकेट, जैसे कि वो स्टडी कर सके वेरिएशन इन द न्यूट्रल विंग्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द साउंडिंग रॉकेट टू स्टडी एटिट्यूडिनल वेरिएशन इन द न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक एट सतीश धवन स्पेस सेंट्रल श्रीहरिकोटा रेंज। लॉन्च ऑफ साउंडिंग रॉकेट टू स्टडी एटिट्यूडिनल वेरिएशन इन द न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक कैरिड आउट टूडे एट SDSC सहार श्रीहरिकोटा। सो इसरो ने लॉन्च किया साउंडिंग रॉकेट, जैसे कि वो स्टडी कर सके एटिट्यूडल वेरिएशन इन द न्यूट्रल विंग्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक एट सतीश धवन स्पेस सेंटर में उन्होंने ये लॉन्च किया है। ये लॉन्च ऑफ साउंडिंग रॉकेट RH-560 की, जिसे वो स्टडी कर सके न्यूट्रल विंग्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021। किसे ऑनर किया गया इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021? सो हमें ऑप्शन दिया हुआ है चंदा कोचर, बी दिया हुआ है इंदिरा नुई, सी दिया गोसालिया शंकर, डी दिया हुआ नन ऑफ दिस। सो ये ऑनर किया गया गोसालिया शंकर को विद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द US कंसल्टेंट ऑनर तमिलनाडु बेस्ड एंटी कास्ट एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट डिफेंडर गोसालिया शंकर विद अ नॉमिनेशन फॉर द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड इन द सिटी। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है द US कंसुलेट ऑनर्ड तमिलनाडु बेस्ड एंटी कास्ट एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट डिफेंडर कौसल्या शंकर विद अ नॉमिनेशन फॉर द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। सो किसको मिला है इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड 2021? दैट इज कौसल्या शंकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर विद अ न्यू रूल ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन एंड परमिट। सो ये किसने न्यू रूल, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये स्कीम, ये हमें बताना है। कौन सी स्कीम है? ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन एंड परमिट। सो हमें ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स या डी नन ऑफ दिस। सो ये मिनिस्ट्री जिसने लॉन्च किया है स्कीम फॉर टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर विद अ न्यू रूल ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन एंड परमिट। सो ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम अंडर विच एनी टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर मे अप्लाई फॉर एन ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन परमिट थ्रू ऑनलाइन मोड। इट विल बी इशूड आफ्टर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड एंड फी डिपॉजिट विद इन 30 days ऑफ सबमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन। द न्यू सेट ऑफ रूल्स टू बी नोन एज ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल 2021 हैज बीन पब्लिश्ड बाय GSR
166E dated 10 March 2021, the new rule will be applicable from 1st April 2021. So ये rule जो है वो applicable होगा 1st April 2021 से, और ये new rule, ये new scheme जो है ये निकाली है Ministry of Road Transport and Highway ने. क्या स्कीम है? All India Tourist Authorization and Permit. हमारा next question है, who is appointed as the Director of Indian Council for Research on International Economic Relation? किसे appoint किया गया है Director of Indian Council for Research and International Economic Relation? So, हमें ऑप्शंस भी दिया रजत कथुरिया, बी दिया हुआ दीपक मिश्रा, सी दिया बोथ एंड बी दिया नन ऑफ दिस. सो ये अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन में अपॉइंट किया गया है दीपक मिश्रा को. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. दीपक मिश्रा प्रैक्टिस मैनेजर इन द वर्ल्ड बैंक माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन. द इकोनॉमिक थिंक टैंक सेड ही विल टेक ओवर फ्रॉम रजत कथुरिया हु हैज बीन the director and chief executive of ICRIER since September 1st. So Deepak Mishra jo practice manager of World Bank Macroeconomics Trade and Investment Global Practice se bhai unhe appoint kiya gaya as the next director chief executive of the Indian Council for Research on International Economic Relation. Unhone take over kara hai Rajat Kathuria ji ko jo ki pehle the director and chief executive of Indian Council for Research on International Economic Relation ke ye pehle director the aur ab kaun hai Deepak Mishra. Hamara next question hai, who launched UPI help on Bheem app? ग्रेवियस रिडर्सल मैकेनिज्म फॉर द यूजर्स ऑफ भीम एप्लीकेशन. किसने लॉन्च किया यूपीआई हेल्प ऑन भीम ऐप और ग्रेवियस रिडर्सल मैकेनिज्म फॉर द यूजर ऑफ भीम एप्लीकेशन. सो हमें ऑप्शन भी दिया एनपीसीआई, बी दिया गूगल पे, सी दिया पेटीएम, डी दिया नन ऑफ दी. सो ये लॉन्च किया एनपीसीआई ने. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज लॉन्च द यूपीआई हेल्प ऑन द भारत इंटरफेस फॉर मनी. थ्रू दिस इंटरफेस पीपल कैन कंप्लेन एंड रिजॉल्व द इशू दे फेस ऑन भीम यूपीआई ऐप. अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन इट इज लर्न दैट द फीचर विल बी अवेलेबल फॉर द कस्टमर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC एंड ICICI बैंक. सो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया यूपीआई हेल्प भारत इंटरफेस फॉर मनी. इस इंटरफेस के द्वारा लोग कंप्लेन कर सकते हैं और रिजोल्व कर सकते हैं अपने इश्यूज जो कि वो फेस कर रहे हैं भीम यूपीआई में. और ये फीचर अवेलेबल होगा SBI, एक्सिस बैंक, HDFC और ICICI बैंक के कस्टमर्स के लिए भी. सो किसने लॉन्च किया यूपीआई हेल्प ऑन भीम ऐप फॉर ग्रेवियस रिड्यूसल मैकेनिज्म फॉर द यूजर्स ऑफ द भीम एप्लीकेशन? दैट इज लॉन्च बाय NPCI. NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स? कौन बना है पहला इंडियन फेंसर जिसने क्वालिफाई करा है फॉर ओलंपिक्स? सो हमें ऑप्शंस दिए साक्षी मलिक, बी दिया कर्णा मलेश्वरी, सी दिया भवानी देवी, डी दिया नन ऑफ दिस. सो फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर जिसने क्वालिफाई करा ओलंपिक के लिए, दैट इज भवानी देवी. चलिए डिस्क्रिप्शन बढ़ते हैं. भवानी देवी बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स. द सेब्री फेंसर सिक्योर्ड एन ओलंपिक स्पॉट ड्यू टू इवेंट ऑन द ongoing fencing world cup. Host Hungary lost in the quarterfinals of the team event, allowing Korea to progress to the semis. Therefore, Bhavani Devi qualified through the adjusted official ranking method. So, ये पहली Indian fencer बनी जिन्होंने qualify करा for the Olympic. हमने आपको options में दिया साक्षी मलिक, ये first Indian woman wrestler थी जिन्होंने win किया था Olympic medal. कर्णम मलेश्वरी जो ये retired Indian weightlifter है और ये first Indian woman है जिन्होंने जीता था medal at the Olympic. हमारा next question है, who inaugurated the project Awam Ki Baat a radio program? किसने inaugurated किया project Awam Ki Baat a radio program? So, मैं options में अनिल बैजल, बी दिया आर के मातृ, सी दिया सत्यदेव नारायण आर्य, डी दिया मनोज सिन्हा. सो ये इनॉग्रेट किया है मनोज सिन्हा ने. तो बताइए मनोज सिन्हा कौन है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर में. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज इनिशिएटेड द प्रोग्राम अवाम की बात अ रेडियो प्रोग्राम बाय लॉन्चिंग इट्स वेबसाइट एट राजभवन जम्मू. द हाफ एन आवर लॉन्ग रेडियो प्रोग्राम टू बी एयर्ड एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ इज वन ऑफ द मेनी सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ ब्रॉडर प्रोग्राम एम्ड एट डिसमिनेटिंग द प्रोग्रेस steps taken by the government and providing the public with a platform to speak, write and interact with the administration, thereby voicing their suggestion, ideas and creative proposals. So Lieutenant Governor जो मनोज सिन्हा जी ने एक initiative लिया है जिसका project का नाम है अवाम की बात. ये एक रेडियो प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया है वेबसाइट एट राजभवन जम्मू में, ठीक है. और लेफ्टिनेंट ये मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है. इस प्रोग्राम के थ्रू पब्लिक जो होगी
बात कर सकती है, इंटरैक्ट कर सकती है विद द एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी वॉइस के थ्रू कुछ सजेशन दे सकती है, आइडियाज दे सकती है और प्रपोजल्स बता सकती है। सो किसने इनोग्रेट किया प्रोजेक्ट? आवाम की बात है रेडियो प्रोग्राम, दैट इज इनोग्रेट बाय मनोज सिन्हा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट इज लॉन्च इन इंडियन ओशन टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स ऑफ द ओशन टू क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस एंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन? कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इंडियन ओशन के द्वारा जिसकी वो अंडरस्टैंड कर सके रिस्पॉन्स ऑफ द ओशन टू क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन? ये जो प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया इंडियन ओशन ने, चलिए देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सो हमें ऑप्शंस भी जियो मैपिंग, जियोनॉमी मैपिंग, सीधी ओशन मैपिंग, डीडी और नन ऑफ दिस। ये जो प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया है इंडियन ओशन ने जिससे कि वो अंडरस्टैंड कर सके द रिस्पॉन्स ऑफ द ओशन टू क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस एंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, दैट प्रोजेक्ट इज जियोनॉमी मैपिंग। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। टीम ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ऑन बोर्ड इट्स रिसर्च वेसल सिंधु साधना विल वर्क ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट टू रिवील द इंटरनल वर्क ऑफ द बॉडी ऑफ द ओशन एट अ सेलुलर लेवल। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिसर्च प्रोजेक्ट इन द कंट्री इज एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिस्ट्री एंड रिस्पॉन्स ऑफ द ओशन टू क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस एंड इंक्रीज पॉल्यूशन। द रिसर्च प्रोजेक्ट विल टेक 3 years टू कम्प्लीट। जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये 3 साल लेगा कंप्लीट होने के लिए। और ये जो इसे किसने करा है, इसे टीम ऑफ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने ऑनबोर्ड किया एक रिसर्च वेसल, एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि इंटरनल वर्क करेगा सेलुलर लेवल्स पे ओशन के। ये फर्स्ट ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट है कंट्री में जिसका एम है कि वो अंडरस्टैंड करे बायोकेमिस्ट्री को और क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन को। सो किसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया? जियोनॉमी। सो कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इंडियन ओशन के लिए कि जिसे वो अंडरस्टैंड कर सके ओशन टू क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस एंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन को? दैट प्रोजेक्ट इज जियोनॉमी मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू बी मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी पहली कंट्री है जो कि मलेरिया फ्री है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? सो हमें ऑप्शंस मिले हैं मेक्सिको, बी दियर एल सल्वाडोर, सी दियर कोस्टा राइस, डी दियर नन ऑफ दिस। सो पहली कंट्री जो मलेरिया फ्री है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एल सल्वाडोर। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। एल सल्वाडोर बिकम द फर्स्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मलेरिया हैज एफ्लिकेटेड ह्यूमन काइंड फॉर मिलेनिया, बट कंट्रीज लाइक एल सल्वाडोर आर लिविंग प्रूफ एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल कंट्रीज दैट वी कैन डेयर टू ड्रीम ऑफ द मलेरिया फ्री फ्यूचर, WHO डायरेक्टर जनरल। सो एल सल्वाडोर पहली कंट्री बनी है सेंट्रल अमेरिका में जो कि सर्टिफाइड हुई है मलेरिया फ्री के लिए बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन सी कंट्री है जो कि मलेरिया फ्री हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? दैट इज एल सल्वाडोर। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं। सो पहला पॉइंट है वर्ल्ड हेल्थ किडनी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 11th मार्च को, और इसकी थीम क्या थी? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। आइवरी कोस्ट प्राइम मिनिस्टर हमेद बकायो हैज पास्ड अवे। हमेद बकायो कौन आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर थे? गवर्नमेंट ने लॉन्च करा मेरा राशन मोबाइल ऐप जिससे कि वो बेनिफिट दे सके सिटीजंस को इन आइडेंटिफाइंग द नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप। सो गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है? मेरा राशन मोबाइल ऐप। नेक्स्ट पॉइंट है 91st एनिवर्सरी ऑफ दादी मार्च इज ऑन 12th मार्च इन अहमदाबाद, जिसे वो सेलिब्रेट कर सके 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस का। सो 91st एनिवर्सरी ऑफ दादी मार्च जो है वो होती है 12th मार्च को अहमदाबाद में, और ये सेलिब्रेट करती है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस को की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर इन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021? हमें ऑप्शन मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, जॉर्ज रसेल, डीडी या नन ऑफ दिस। सो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में विनर है लुइस हैमिल्टन। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ब्रिलियंट डिफेंसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम लुइस हैमिल्टन सॉ हिम होल्ड ऑफ द चार्ज ऑफ मैक्स वर्स्टैपेन एंड सील टॉप स्पॉट इन द ओपनिंग रेस ऑफ द सीजन इन द बैक एंड फोर्थ कॉन्टेस्ट दैट अल्टीमेटली टर्न ऑन द टीम्स पिट स्ट्रेटजी वर्स्टैपेन लुक्ड सेट टू ओवरकम डिफेंडिंग चैंपियन हैमिल्टन इन द फाइनल स्टेप। सो किसने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021? दैट इज लुइस हैमिल्टन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड स्क्रॉपेनी सबमरीन? सो हमें ऑप्शन भी दिया INS कलवारी, बीडियो INS खानदेरी, INS करण, बीडियो नन ऑफ दिस। सो थर्ड स्क्रॉपिनी सबमरीन है INS करण। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन नेवी थर्ड स्ट्रेंथ स्क्रॉपिनी क्लास सबमरीन INS करण इक्विप्ड विद पोटेंट वेपन्स एंड सेंसर्स टू न्यूट्रलाइज एनी थ्रेट अबव और बिलो द सी सरफेस वॉज कमीशन। फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल VS शेखावत, हु वॉज पार्ट ऑफ द कमीशनिंग क्रू ऑफ द ओल्ड करण,
एंड लेटर द कमांडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वॉर वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द कमिशनिंग सेरेमनी एट द नेवल डॉकयार्ड. तो इंडियन नेवी के जो थर्ड स्ट्रेस टॉर्पिनो क्लास सबमरीन आईएनएस कराज जो है वो इक्विप्ड हुए हैं विद पोटेंट वेपन्स एंड सेंसर्स के साथ कि वो न्यूट्रलाइज कर सके एनी थ्रेट अबव और बिलो द सी सरफेस. व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड स्ट्रॉपिनो सबमरीन दैट इज आईएनएस करण. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ टेक भारत 2021. किसने एड्रेस किया इनॉग्रल सेशन ऑफ टेक भारत 2021. सो हमें ऑप्शन पे दिया रवि शंकर प्रसाद, डीडीओ निर्मला सीतारामन, सीडीओ पीयूष गोयल, डीडीओ हुआ है डॉक्टर हर्षवर्धन. सो किसने एड्रेस किया इनॉग्रल सेशन ऑफ टेक भारत 2021. सो ये किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेसेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ टेक भारत 2021 द ई कॉन्क्लेव ब्रिंगिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम हेल्थ टेक एंड एड्यूटेक सेक्टर. द फंडिंग फॉर द हेल्थ care sector need to be stepped up greatly and it has to be ensured that there is equity in the delivery of the healthcare. इसे inaugurate किया डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस e-conclave को और इसमें उन्होंने बात करी है for the funding for the healthcare sector और इसमें उन्होंने ज़्यादातर focus इस पे दिया है कि हम कैसे delivery दे सकते हैं healthcare sector पे और healthcare sector को हम कैसे और मजबूत और अच्छा बना सकते हैं. इस पे उन्होंने health tech और edutech sector पे पूरा ध्यान दिया था. So, किस एड्रेस किया इनॉग्रल सेशन ऑफ टेक भारत 2021 दैट इज एड्रेस बाय डॉक्टर हर्षवर्धन. रविशंकर प्रसाद जो वो मिनिस्टर है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीयूष गोयल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में काम करते हैं और निर्मला सीतारामन का आपको पता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप इज लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे टू फैसिलिटेट डायरेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस कंपनी कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेन क्रू एंड कंट्रोल सेंटर एंड स्टेशन मास्टर. कौन सी ऐप लॉन्च की गई है इंडियन रेलवे के द्वारा कि जिससे कि फैसिलिटेट कर सके डायरेक्ट एंड कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेन क्रू कंट्रोल सेंटर और स्टेशन मास्टर. तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ वन दे लिया, बी दिया हिम्मत प्लस ऐप, बी सी दिया अभायम, डी दिया MTRC. So, ये ऐप जो लॉन्च की गई है इंडियन रेलवे के द्वारा दैट इज MTRC. MTRC की फुल फॉर्म क्या है, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. इंडियन रेलवे वेस्टर्न रेलवे जोन हैज इंट्रोड्यूस अ मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम टू फैसिलिटेट डायरेक्ट एंड कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेन क्रू एंड कंट्रोल सेंटर एंड स्टेशन मास्टर. सो इंडियन रेलवे वेस्टर्न रेलवे जोन ने इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे कि फैसिलिटेट कर सके डायरेक्ट एंड कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेन क्रू कंट्रोल सेंटर एंड स्टेशन मास्टर. वन दिल्ली ऐप जो हमने आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ये एक ऐप इसलिए लॉन्च की गई थी कि जिससे कि ट्रैवल को इजी बना सके. ये ऐप अलाउ करती है यूजर्स को कि वो एक्सेस कर सके सारे बस स्टॉप्स को, बस को, मेट्रो रूट्स को, फेयर्स को, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल्स को. तो ये इसलिए लॉन्च की थी. हिम्मत प्लस ऐप इसलिए लॉन्च की गई थी कि जब आप ट्रैवल करेंगे कैब्स में तो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए. अभी हम जो है सी ऑप्शन ये वुमेन्स की सेफ्टी के लिए लॉन्च की गई थी जो कि ट्रैवल करती है थ्रू ऑटो एंड टैक्सी और इसे लॉन्च किया गया था बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. सो फर्स्ट मैं आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बताती हूँ. वन दिल्ली ऐप जो है वो लॉन्च की गई थी दिल्ली में ट्रैवल को इजी बनाने के लिए और ये अलाउ करती है यूजर को कि उसके पास एक्सेस होगा बस स्टॉप, बस और मेट्रो रूट्स का. हिम्मत प्लस ऐप जो है ये उन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी जो कि लोग ट्रैवल करते हैं कैब्स में उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए. इसे लॉन्च किया गया था बाय दिल्ली पुलिस. अभी हम जो ऐप है इसे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था वुमेन्स की सेफ्टी के लिए जो कि ट्रैवल करती है ऑटो में और टैक्सी. और ये MTRC किस लिए लॉन्च की गई, ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया कि जिससे वो फैसिलिटेट कर सके डायरेक्ट एंड कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेन क्रू कंट्रोल सेंटर एंड स्टेशन मास्टर. सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ द सिल्वर इन BWF स्विस ओपन सुपर 300. कौन है विनर ऑफ सिल्वर इन BWF स्विस ओपन सुपर 300 में. सो हमें ऑप्शन साइना नेहवाल, बीडीओ पीवी सिंधु, सीडीओ बोथ एंड बी, डीडीओ नन ऑफ दिस. सो ये विनर है पीवी सिंधु. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. इंडियन एज शटलर पीवी सिंधु सेटल फॉर अ सिल्वर मेडल इन द BWF स्विस ओपन टू सुपर 300 एंड बेसल एट शी वेंट डाउन अगेंस्ट वर्ल्ड 3 रीजनिंग ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मैरिन इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड सिंगल इवेंट. सो इन्होंने जीता है सिल्वर इन BWF स्विस ओपन सुपर 300 में. किसने जीता है, पीवी सिंधु. सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक. किसे अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फेडरल रिजर्व बैंक. सो हमें ऑप्शन भी दिया है पार्थ
प्रतिम सेनगुप्ता, बीडिया राकेश शर्मा, सीडिया नौरीन हसन, डीडिया मुकेश कुमार जैन। सो ये अपॉइंट किया गया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फेडरल रिजर्व बैंक, दैट इज नौरीन हसन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एन इंडियन ओरिजिन वेटरन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। नौरीन हसन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इलेक्टेड फ्रॉम मार्च। सो इंडियन ओरिजिन वेटरन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में काम कर चुके उन्हें अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। नौरीन हसन जो है उन्हें अपॉइंट किया गया बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें अपॉइंट किया है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क नौरीन हसन को। हमने आपको ऑप्शंस भी दिया, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ये एमडी और सीईओ है इंडियन ओवरसीज बैंक के, राकेश शर्मा जो वो एमडी और सीईओ है आईडीबीआई बैंक के, मुकेश कुमार जैन जो वो एमडी और सीईओ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। सो किसे अपॉइंट किया गया फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का बाय फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, दैट इज नौरीन हसन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स हाई लेवल नेशनल कमेटी टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू कॉमेमोरेट 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कितने मेंबर्स हाई लेवल नेशनल कमेटी हेड की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किसी को कॉमेमोरेट कर 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो हमें ऑप्शन 259 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑफ 15 अगस्त 2017 सेड इफ ईच वन ऑफ अस इरिस्पेक्टिव वेयर ही बिलोंग्स टू स्ट्राइव्स विद अ न्यू रिजॉल्व अ न्यू एनर्जी अ न्यू स्ट्रेंथ एंड वी कैन चेंज द फेस ऑफ द कंट्री विद आवर कंबाइंड स्ट्रेंथ इन द 75th ईयर ऑफ अवर इंडिपेंडेंस इन 2022। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोला था कि अगर हम सब एक होकर चले न्यू चीजों की तरफ, न्यू रिजॉल्व, न्यू एनर्जी, न्यू स्ट्रेंथ की तरफ, वी कैन चेंज द फेस ऑफ अवर कंट्री, अगर हम कंबाइंड स्ट्रेंथ की तरफ चले, ये बोला था उन्होंने। सो कितने मेंबर्स है, दैट इज 259 हाई लेवल नेशनल कमेटी मेंबर जिसे हेड करेंगे बाय पीएम नरेंद्र मोदी। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द मेटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंक सीरीज। कौन है विनर ऑफ द मेटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज। हमें ऑप्शन दिए साक्षी मलिक, बीडीओ सुशील कुमार सोलंकी, सीडीओ उदय चंद, डीडीओ बजरंग पुनिया। सो ये विनर है मेटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज के बजरंग पुनिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। टोक्यो बाउंड इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया पुल्ड ऑफ अ 2-pointer in at least 30 seconds of the gold medal bound to defend his little at the Meteo Pelicon ranking series event, a result that pushed him back to world number 1 rank. So, ye winner hai Bajrang Punia of the Meteo Pelicon world ranking series ke. So, our next question is, what is the name of gateway of northeast between India and Bangladesh? Kya naam hai gateway of northeast between India and Bangladesh? So, mein options mein ye Jalapur Dam, B diya Maitri Setu, C diya Prakasham Barrage, D diya Telugu Ganga. So, जो नाम है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, दैट इज मैत्री सेतु। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द मैत्री सेतु ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ मैत्री सेतु ब्रिज वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेड द ओपनिंग ऑफ द ब्रिज इज टेस्टिमोनी ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट कंटिन्यूड कमिटमेंट टू सपोर्ट इट्स नेबर इंडिया स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी इन द रीजन पर्टिकुलरली फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया मैत्री सेतु ब्रिज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इस लॉन्च पे बोला कि गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया है कि वो सपोर्ट करेगी अपने नेबर को, इंडिया जो होगा वो एक स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा पर्टिकुलरली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो इसको अटेंड किया था वहां के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, और हमारे यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड करके इसे इनॉग्रेट किया है। किसे इनॉग्रेट किया? मैत्री सेतु गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जो हमें ऑप्शंस में दिए जलापुर डैम की गोदावरी रिवर पे, प्राकशम बैरेज जो है कृष्णा रिवर पे, तेलुगु गंगा भी कृष्णा रिवर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु लॉन्च सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2021। किसने लॉन्च किया है सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2021। सो हमें ऑप्शन में दिया आचार्य देवव्रत, बीदिया कलराज मिश्रा, सीधे मनोज शाह, दीदिया आनंदीबेन पटेल। सो ये लॉन्च किया मनोज सिन्हा ने 75 स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन 2021 में। आपको ऑलरेडी पता है कि मनोज सिन्हा जो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा अनाउंस द लॉन्च ऑफ सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ मेरिटोरियस गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज सो दैट दे कैन एक्सेल इन स्ट्रीम लाइक मेडिसिन,
इंजीनियरिंग, आईटीआई एंड ह्यूमैनिटी एंड कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। उन्होंने ये स्कीम इसलिए लॉन्च करी है कि जिससे कि वो सपोर्ट कर सके मेरिटोरियस गर्ल्स को जो कि बिलोंग करती है पुअर फैमिली से, और वो एक्सेल कर सके मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आईटीआई और ह्यूमैनिटी जैसी स्ट्रीम्स में, और वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके नेशन को। सो किसने लॉन्च करी है सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2021, दैट इज लॉन्च बाय मनोज सिन्हा। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है द फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात श्री अंशुमन सिंह हैज पास्ड अवे। फॉर्मर गवर्नर थे राजस्थान के और गुजरात के श्री अंशुमन सिंह जी की डेथ हो चुकी है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अंशुमन सिंह कौन थे, वो गवर्नर थे। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेट करती है अपना 52 रेजिंग डे 10th मार्च को, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। वेरी फेमस मराठी एक्टर श्रीकांत मोघे पास्ड अवे। बहुत ही फेमस मराठी एक्टर श्रीकांत मोघे जी की डेथ हो चुकी है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, अंशुमन सिंह कौन थे, वो एक गवर्नर थे राजस्थान और गुजरात के। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स क्या सेलिब्रेट करी अपना 52nd राइजिंग डे, कब, 10th मार्च को। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, और श्रीकांत मोघे कौन थे, बहुत फेमस मराठी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ APRACA। APRACA के चेयरमैन कौन थे। सो हमें ऑप्शन में दिया जी आर चंटाला, बी दिया MV गोथामा, सी दिया JK नाकरा, डी दिया PK गुप्ता। सो चेयरमैन ऑफ APRACA थी JR चंटाला। APRACA क्या है, यह एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है, दैट इज जी आर चंटाला। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। चेयरमैन डॉक्टर जी आर चंटाला हैज अज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, अ मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म ऑफ 24 कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, रूरल एंड माइक्रो फाइनेंसिक डेवलपमेंट। सो अब किसे अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, सो ये अपॉइंट किया गया जी आर चंटाला जी। हमने आपको ऑप्शंस में बी ऑप्शन दिया हुआ MV गोपथामा, ये चेयरमैन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के। सी दिया हुआ है JK नाकरा, ये चेयरमैन और MD है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के। और PK गुप्ता जो है वो चेयरमैन और MD है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च वेयर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरिएबल डिवाइस। कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है वेयर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरिएबल डिवाइस। तो हमें ऑप्शन दिया HDFC बैंक, बी दिया एक्सिस बैंक, सी दिया कोटक महिंद्रा बैंक, डी दिया ICICI बैंक। सो ये जो बैंक है जिसने लॉन्च किया वेयर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरिएबल डिवाइस, तो ये बैंक है एक्सिस बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एक्सिस बैंक लॉन्च द कंट्री फर्स्ट कॉन्टेक्टलेस वेरिएबल पेमेंट डिवाइस टू अलाउ कस्टमर टू मेक ऑन द गो ट्रांजेक्शन मोर कन्वीनियंटली। अनाउंसिंग द वेयर एंड पे वेरिएबल डिवाइस ब्रांड द प्राइवेट लेंडर से इट इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू ऑफर सच सर्विस। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया एक पहला कॉन्टेक्टलेस वेरिएबल पेमेंट डिवाइस जो कि अलाउ करता है कस्टमर को कि वो अपनी ट्रांजेक्शन को बहुत ही इजिली कर सके। ये वेयर एंड पे जो है वो ये एक वेरिएबल डिवाइस है, और ये पहला बैंक है इंडिया में जिसने एक ऐसी सर्विसेज ऑफर करी है। सो किसने लॉन्च किया वेयर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरिएबल डिवाइस, सो दैट इज लॉन्च बाय एक्सिस बैंक। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन है न्यू। हमें ऑप्शन दिए कृष्णा गोपाल तिवारी, बी दिए स्मृति सभरवाल, सी दिए डॉक्टर GV समानता, डी दिए नानावती। सो न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया है, दैट इज डॉक्टर GV समानता। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड GV समानता एज द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। ही विल ऑल्सो होल्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। समानता विल बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। देखिए ये न्यू स्टैटिस्टिशियन कौन है, डॉक्टर GV समानता। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का भी चार्ज लेंगे, और इनका जो कार्यकाल होगा 2 साल का होगा। तो अभी आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपके न्यू स्टैटिस्टिशियन कौन है, दैट इज डॉक्टर GV समानता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ज्वाइन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर। किसने ज्वाइन करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर। सो हमें ऑप्शन भी ऐश्वर्या राय, बी दिया दीपिका पादुकोण, सी दिया प्रियंका चोपड़ा, डी दिया नानावती। सो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ज्वाइन किया है लिस्ट ऑफ यंग
ग्लोबल लीडर दैट इज जॉइंड विद दीपिका पादुकोण. सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक एक्टर दीपिका पादुकोण एंड सेवरल इंडियन सिटीजन एंड इंडिया ओरिजिन पर्सन जॉइन द लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंसिंग इट 2021 क्लास ऑफ यंग ग्लोबल लीडर. द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेड दीज आर द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉमिसिंग 112 लीडर्स अंडर द एज ऑफ 40 एंड आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम एडवोकेटिंग फॉर पब्लिक हेल्थ केयर टू कैंपेनिंग फॉर इंक्लूसिविटी इन मेडिकल रिसर्च. सो एक्टर दीपिका पादुकोण भी थी बट इसमें और भी बहुत सारे यंग ग्लोबल लीडर थे जिनको इंक्लूड किया गया इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड. कौन है किसने जीता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड. सो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है विश्वनाथन आनंद बीदिया कोनेरू हम्पी सी दिया सूर्य शंकर गांगुली डी दिया निहाल सरीन. सो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है कोनेरू हम्पी जी ने. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. चेस प्लेयर कोनेरू हम्पी हैज वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020 फॉलोइंग अ पब्लिक वोट. द 33 ईयर ओल्ड बीट स्प्रिंटर ड्यूटी चंद एयरगन शूटर मनु बेकर रेसलर विनेश फोगाट एंड इंडिया हॉकी कैप्टन रानी रामपाल टू द हम्पी इज द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन having won the title in December 2019. After a two-year maternity break in 2020, she won the Queen's Cup and elite level tournament for the top फीमेल प्लेयर. ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि कोनेरू हम्पी जी ने को मिला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड. सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अपने घर को और अपनी गेम्स को कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है. मेटर्निटी लीव के बाद ये कैसे इन गई और इन्होंने जीता भी कैरेंस कप और अब इन्हें ये पुरस्कार भी मिला और ये डिजर्व करती है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड. और ये बहुत ही हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि हमारे इंडिया में वुमेन्स कितनी हार्ड वर्किंग है. सो हमने आपको ऑप्शन में दिया ए विश्वनाथन आनंद. ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे फ्रॉम इंडिया इन 1988 जिन्होंने जीता था पद्मभूषण और पद्मश्री. सूर्य शंकर गांगुली थी जो थी ये भी चेस प्लेयर है वेस्ट बंगाल से. निहाल सरीन एक 14 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर है केरला से. विश्वनाथन आनंद भी चेस के ग्रैंड मास्टर है फ्रॉम इंडिया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अवार्डेड फॉर बिहारी पुरस्कार 2020. किसे दिया गया बिहारी पुरस्कार 2020. हमें ऑप्शन में मनोज बाजपेयी बी दिया शेखर सुमन सी दिया मोहन कृष्णा बुहारी डी दिया नन ऑफ दीज. सो बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया मोहन कृष्णा बुहारी जी को. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. द बिहारी पुरस्कार इज वन ऑफ द थ्री लिटरेरी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन इन 1991 नेम्ड आफ्टर द फेमस पोएट बिहारी. द अवार्ड कैरी अ कैश प्राइज ऑफ 2.5 लाख अ प्ले एंड अ सिटेशन. सो इस अवार्ड में आपको एक कैश प्राइज भी मिलता है 2.5 लाख और ये बिहारी पुरस्कार 2020 किसे मिला मोहन कृष्णा बुहारी जी को. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लीडर्स हैज इनवाइटेड टू अ यूएस होस्टेड वर्चुअल समिट ऑन क्लाइमेट चेंज. कितने लीडर्स को इन्वाइट किया गया था यूएस में क्लाइमेट चेंज की वर्चुअल समिट के अंदर. सो हमें ऑप्शन से 45, 41, 39 या 40. तो बताइए कितने लीडर्स को इनवाइट किया गया था क्लाइमेट चेंज की वर्चुअल समिट पर. यूएस ने कितने लीडर्स को इनवाइट किया. सो ये इनवाइट किया 40 लीडर्स को. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. ऑल 40 वर्ल्ड लीडर्स हु वर इनवाइटेड टू द क्लाइमेट समिट होस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैव कंफर्मड देयर अटेंडेंस सेटिंग अप अ मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉल्यूटर एंड इकोनॉमिक विद द पर्पस ऑफ गैल्वेनाइजिंग कंट्रीज टू डू मोर कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बिफोर टाइम रन. सो 40 वर्ल्ड लीडर्स जो थे इस क्लाइमेट समिट में इनवाइटेड थे और इसे होस्ट किया था यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी ने और इसमें उन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉल्यूटर और इकोनॉमी की प्रॉब्लम से रिलेटेड के बारे में डिस्कशन किया था. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद होम इंडिया हैज डन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिंग टू कमेंस इन रानीखेत. इसके साथ इंडिया ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी डस्टलिंग टू कमेंस इन रानीखेत. सो हमें ऑप्शन में दिया हुआ इसराइल फिर दिया उज्बेकिस्तान सी दिया चाइना डी दिया नन ऑफ दीज. सो ये उन्होंने किया था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिंग ये उन्होंने किया था उज्बेकिस्तान के साथ. हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिंग इज अंडर वे इन फॉरन ट्रेडिंग नोट चौबातिया रानीखेत. दिस इज सेकेंड एडिशन ऑफ द एनुअल बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ बोथ आर्मी. इट विल कंटिन्यू फ्रॉम टिल मार्च 19. द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन उज़्बेकिस्तान इन नवंबर 2019. सो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिंग ये सेकेंड एडिशन है इस एनुअल बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज का बोथ आर्मी और ये स्टार्ट होगा 19 मार्च से. सो किसके साथ इंडिया ने कर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिंग रानीखेत में दैट इज उज़्बेकिस्तान. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट. किसे अपॉइंट किया गया है किसे रीअपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स. हमें ऑप्शन देते हैं एचएम स्टेनर बी दे एंगर एडर्सन सी दे गिरीश मुर्मू डी दे नन ऑफ दीज. सो ये रीअपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर. वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए कि किसे अपॉइंट किया है. सो मैं अभी आपको बताती हूँ अपॉइंट किया गिरीश मुर्मू को. चलिए डिस्क्रिप्शन में बताते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश
Chandra Murmu has been reappointed as the chairman of the panel of external auditor of the United States for the year 2021. The Comptroller and Auditor General of India was initially elected as chairman of the panel for 2020. Presently, the panel consists of 13 countries: India, Germany, Chile, China, United Kingdom, France, Philippines, Switzerland, Italy, Ghana, Indonesia, Canada and Russia. इसमें 13 countries है और इसके chairman कौन है? गिरीश मुर्मू. किसके chairman है? UN panel of external auditor. हमने आपको options में दिया. Ashim Stainer ये administrator है of UNDP, United Nations Development Program की. Inger Adelson जो executive director है United Nations Environment Program के, जो आपको B option दिया. और गिरीश मुर्मू कौन है? Chairman of United Nations panel of external auditor. हमारा next question है, which program is launched by HDFC Bank for mentoring women entrepreneurs by women leaders at the bank? कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया HDFC बैंक के द्वारा जिसमें मेंटोर करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वुमेन लीडर्स के द्वारा? सो हमें ऑप्शन दिए स्टार्टअप उन्नति प्रोग्राम, स्टार्टअप उन्नति प्रोग्राम, स्टार्टअप उमंग प्रोग्राम या टीन अनुति. सो ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया HDFC बैंक ने फॉर मेंटोरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय वुमेन लीडर्स, सो ये प्रोग्राम है स्टार्टअप उन्नति प्रोग्राम. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. HDFC बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप उन्नति, अ डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर मेंटोरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर बाय वुमेन लीडर एट द बैंक ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे. एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ओवर द नेक्स्ट वन ईयर सीनियर वुमेन लीडर फ्रॉम HDFC विल एक्सपर्टाइज डोमेन स्पेनिंग डोमेन विल मेंटर वुमेन एंटरप्रेन्योर इन हेल्पिंग देम अचीव देयर गोल्स. सो HDFC बैंक ने लॉन्च किया स्टार्टअप उन्नति, एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है जिसमें वो मेंटोर करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वुमेन लीडर्स के द्वारा. और ये कब उन्होंने लॉन्च किया था? इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे. इसमें काफी सीनियर वुमेन लीडर्स होंगे HDFC बैंक से जो कि एक्सपर्टाइज करेंगे और मेंटोर करेंगी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को. सो किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से बैंक ने लॉन्च किया है स्टार्टअप उन्नति प्रोग्राम वुमेन मेंटोरिंग के लिए, एंटरप्रेन्योर्स की मेंटोरिंग के लिए बाय वुमेन लीडर? तो ये बैंक HDFC बैंक. और इधर क्वेश्चन क्या पूछा कि HDFC बैंक ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? तो वो प्रोग्राम है स्टार्टअप उन्नति प्रोग्राम. अब इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल बुक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ खान अब्दुल गफार खान इज सेट टू बी पब्लिश इन इंग्लिश. फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल जो है वो ऑटोबायोग्राफी खान अब्दुल गफार खान जी की, और वो पब्लिश होने वाली है इंग्लिश में. ध्यान चंद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनिंग वेटेरियन इंडियन एथलीट ईश्वर सिंह दोयल हैज पास्ड अवे. ईश्वर सिंह दोयल कौन थे? वो एक एथलीट थे और उन्होंने जीता था ध्यानचंद नेशनल अवार्ड, उनकी डेथ हो चुकी है. नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट बोर्ड इन द सिटी ऑफ नियरली 2700 स्कूल्स इन द सिटी वेयर 1000 दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स एंड 1700 प्राइवेट स्कूल मोस्ट ऑफ देम एफिलिएटेड टू द CBSE इन द सिटी. सो दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक सेपरेट बोर्ड सिटी का जिसमें वो नियरली 27 स्कूल्स ओपन करेगी जिसमें 1000 दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे और 1700 प्राइवेट स्कूल होंगे और सारे अफिलेटेड होंगे CBSE के द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट है स्मृति रानी, अब वो कौन? स्मृति रानी अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जी अनकही दास्ता इज गोइंग टू बी रिलीज. एक बुक है जो स्मृति रानी जी के ऊपर है और उसकी बुक का नाम क्या है? अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता. सो फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल जो है वो ऑटोबायोग्राफी किसकी है? खान अब्दुल गफार खान की, और वो पब्लिश होने वाली है इंग्लिश में. क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आप बोलिए खान अब्दुल गफार की. ध्यानचंद ईश्वर सिंह दोयल कौन थे? वो एक एथलीट थे, ठीक है, उन्हें मिला है ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड. दिल्ली गवर्नमेंट ने कितने स्कूल्स को अप्रूवल दिया है ऑफ सेपरेट बोर्ड इन द सिटी? सो दैट इज 2700 स्कूल. उसमें दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल कितने और प्राइवेट स्कूल्स कितने हैं? उसमें 1000 दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल है और 1700 प्राइवेट स्कूल है. स्मृति रानी जी की एक बुक है अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता, वो रिलीज होने वाली है. सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन 5G टेक्नोलॉजी. किसने लॉन्च करा ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन 5G टेक्नोलॉजी? हमें ऑप्शंस में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी दिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सी दिए बोथ एंड बी डी दिए नन ऑफ दिस. तो बताइए किसने लॉन्च किया है सर्टिफिकेट कोर्स ऑन 5G टेक्नोलॉजी? सो दैट इज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्रिएटेड एन इन हाउस पैनल ऑफ 5G एक्सपर्ट बाय इनॉग्रेटिंग अ 12-week ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स टू प्रिपेयर एंड श्योर इट्स अथॉरिटीज ऑन द 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी. द 36 आवर्स सर्टिफिकेट कोर्स ऑन 5G हैज been made available to officers of Department of Telecommunication with the first batch starting from 9th March 2021 which later on would be offered to other stakeholders also. Ministry of Communication. So Department of
टेलीकम्युनिकेशन ने क्रिएट किया एक हाउस पैनल 5G एक्सपर्ट का, जिसमें वो इनॉग्रेट करेगा 12 वीक का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें वो प्रिपेयर करेगा एंड श्योर करेगा अथॉरिटीज को ऑन द 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये 36 आवर्स का सर्टिफिकेट कोर्स है 5G के ऊपर, जो कि अवेलेबल है ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विद द फर्स्ट बैच, जो कि स्टार्ट होगा 9th मार्च को, और लेटर ये ऑफर होगा अदर स्टेक होल्डर्स को भी। सो किसने लॉन्च किया ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑन 5G टेक्नोलॉजी, सो दैट इज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन, कौन सी पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने स्कोर किए 10,000 इंटरनेशनल रन। सो हमें ऑप्शन भी अमिता शर्मा, बीदिया मिथालीराज, सीधिया अंजू जैन, दीदिया नानावती। सो ये पहली वुमेन है जिन्होंने स्कोर किए 10,000 इंटरनेशनल रन, सो दैट इज मिथालीराज। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, विटेरियन बैटर मिथालीराज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर एंड सेकेंड इंटरनेशनली टू कम्प्लीट 10,000 रन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। द 38-year-old मिथाली हु लीड द इंडियन ODI टीम Joined England Charlotte Edwards in the Elite Club. Mithali achieved the feat with the boundary of Annie Boch in the 28th over of India's inning during the ongoing third ODI against South Africa here. So Mithali Raj पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है और सेकंड इंटरनेशनल बनी है जिन्होंने कंप्लीट किया 10,000 रन, और ये 38-year-old मिथाली है जिन्होंने लीड किया इंडियन ODI टीम में, और इन्होंने अचीव करा है टारगेट जिसमें इन्होंने स्कोर किया 10,000 इंटरनेशनल रन, और ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है। कौन बनी? मिथाली राज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट विद द एम टू प्रोवाइड सपोर्ट इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग एंड फैसिलिटेशन ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर। सो कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें वो एम कर कि वो प्रोवाइड करेगा सपोर्ट इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग एंड फैसिलिटेट करेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को। सो हमें स्कीम का नाम बताना है। सो हमें ऑप्शंस मिले हैं, आत्मनिर्भर निवेशक मित्रा पोर्टल, आत्मनिर्भर इन्वेस्टिंग मित्रा पोर्टल, सीधे बोथ एंड भी दीदिया नानावती। सो ये स्कीम जो लॉन्च की है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका एम है कि वो प्रोवाइड करेगी सपोर्ट, देगी इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग और फैसिलिटेट करेगी डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, सो दैट स्कीम इज आत्मनिर्भर निवेश मित्रा पोर्टल। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज working to develop a portal called Atmanirbhar Niveshak Mitra Portal for information dissemination, hand-holding and facilitation of domestic investor. The portal Atmanirbhar Niveshak Mitra is currently in the testing phase. It will be launched by May 1st, 2021. So, ये जो है अभी currently testing phase पे और ये launch हो जाएगा May 1st, मतलब अभी तक launch हो चुका है। So, कौन सी scheme है जो कि launch किए government ने जिसमें ये aim करे कि support करेंगे information spreading और facilitate करेंगे domestic investor को, so that scheme is आत्मनिर्भर निवेशक मित्रा पोर्टल, जिसमें कि वो निवेश कर सकते हैं, जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिसमें कि वो ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज ऑनर्ड विद बैटन ऑफ ऑनर बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। किसे ऑनर किया गया विद बैटन ऑफ ऑनर बाय रामनाथ कोविंद। सो हमें ऑप्शंस भी दिए, किरण बेदी, बीडीआर टीएन शेषा, सीडीए के विजय कुमार, दीदिया नानावती। सो ये ऑनर किया गया विद बैटन ऑफ ऑनर बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। सो ये ऑनर किया किरण बेदी जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड अ बैटन ऑफ ऑनर एंड अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन टू फॉर्मर पांडिचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी एट राष्ट्रपति भवन। किरण बेदी रिसीव अ बैटन ऑफ ऑनर डेकोरेटेड विद द emblem of the Indian Republic and a letter of appreciation from President Ramnath Kovind at Rashtrapati Bhavan. So President Ramnath Kovind ne present kiya hai baton of honor aur ek letter of appreciation Pondicherry ki Lieutenant Governor जो रह चुकी हैं किरण बेदी जी को राष्ट्रपति भवन में, और इसमें उन्होंने रिसीव करा है एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन किससे, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स CGETI। किसने चेयर करी है ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की मीटिंग। सो हमें ऑप्शंस भी दिए हुए, चाइना भी दिया हुआ है, रशिया, सीधा नॉर्वे, डी दिया हुआ इंडिया। सो किसने चेयर करी है फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, सो दैट इज Chaired by India. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू वॉज हेल्ड अंडर इंडियन चेयरशिप फ्रॉम 9th till 11th ऑफ दिस मंथ। द थीम ऑफ ब्रिक्स दिस ईयर इज ब्रिक्स आर 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। सो इसकी थीम क्या थी, कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन कंसेंसस, और ये ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज पे। किसके साथ हुई थी ये हुई थी अंडर इंडिया चेयरशिप। सो किसने
किसने चेयर की थी फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यू, सो दैट इज चेयर्ड बाय इंडिया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावरफुल सुपर कंप्यूटर इज लॉन्च बाय जापानीज साइंटिफिक रिसर्च, कौन सा पावरफुल सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया जापानीज साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा। सो हमें ऑप्शन मिली है फ्रंटेरा, पिस्टन, गाकू, डीडीआर, नन ऑफ दिस। तो ये पावरफुल सुपर कंप्यूटर जिसे लॉन्च किया जापानीज साइंटिफिक रिसर्च दैट इज गाकू। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, बीएम समिट हैड बीन द वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर फ्रॉम नवंबर 2018 टिल जुलाई लास्ट ईयर व्हेन जापान फुगाकू ओवरथ्रू समिट टू बिकम द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। फुगाकू हैज नाउ स्टेटेड ऑपरेटिंग एट जापान साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रिकेन। सो ये सुपर कंप्यूटर जो कि लॉन्च किया जापानी साइंटिफिक रिसर्च ने, सो दैट कंप्यूटर इज फुगाकू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अटेंडेड 3-day कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, किसने अटेंड करी थी 3 दिन की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो देखिए कमांडर कॉन्फ्रेंस है तो ऑफकोर्स डिफेंस से रिलेटेड है। ऑप्शंस में देखते क्या दिया, राजनाथ सिंह, विद्या हरसिमरत कौर बादल, सीधिया अरविंद सावंत, डीडीआर नन ऑफ दिस। सो ऑफकोर्स डिफेंस से रिलेटेड है तो किसने अटेंड करी होगी, राजनाथ सिंह ने अटेंड करी होगी। अगर आपको नहीं आता आंसर तो आप ऐसे भी एक लॉजिक से आंसर अपना देख सकते हैं कि क्या होगा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अटेंडेड द 3-day कंटिन्यूड कमांडर कॉन्फ्रेंस along with top defense officials at Kevadia, Gujarat. A 3-day combined commanders conference will begin at Kevadia in Gujarat. So, ये 3 दिन का combined commanders conference है जो कि कहाँ पे हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, और इसे किसने अटेंड किया है, राजनाथ सिंह जी ने अटेंड किया। हरसिमरत कौर बादल जो है ये काम करते हैं मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, और अरविंद सावंत जो है वो काम करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया सेलिब्रेट फेस्टिवल शिवरात्रि हेरथ, कौन सी यूनियन टेरिटरी इंडिया की सेलिब्रेट करती है फेस्टिवल शिवरात्रि हेरथ। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है लद्दाख, बी दिया जम्मू एंड कश्मीर, सी दिया त्रिपुरा, डी दिया नानावती। सो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जो सेलिब्रेट करती है शिवरात्रि हेरथ, दैट यूनियन टेरिटरी इज जम्मू एंड कश्मीर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, लेट्स सी क्या लिखा हुआ है इससे रिलेटेड। सो यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर की वो सेलिब्रेट करती है फेस्टिवल शिवरात्रि हेरथ, और इसे ऑब्जर्व किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर बाय द कश्मीरी पंडित। ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है एंड इस फेस्टिवल को महाशिवरात्रि लोकली इसको बोलते हैं हेरथ कश्मीर में, और इसे सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर बाय कश्मीरी पंडित कम्युनिटी विद रिलीजियस फेवर्स बाय ऑफरिंग बतकनाथ पूजा, और इसमें बतकनाथ पूजा भी करते हैं। कौन सी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करे शिवरात्रि हेरथ, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज प्रमोटेड एज कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी, कौन किसको प्रमोट किया गया कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी। सो हमें ऑप्शन भी दिया, कनवार बहादुर सिंह, बी दिया जोगिंदर सिंह ढिल्लों, सी दिया अनुराग ठाकुर, डी दिया नानावती। सो जिसे प्रमोट किया गया एज कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी में, सो दैट इज अनुराग ठाकुर। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, सो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर बिकम द फर्स्ट सर्विंग MP टू बी अपॉइंटेड एज कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। द 4-time BJP MP फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हमीरपुर वॉज कमीशन इन टू द टेरिटोरियल आर्मी एज लेफ्टिनेंट बाय देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दलबीर एस सुहाग TA इन जुलाई 2016। सो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर पहले सर्विंग MP बने जिन्हें अपॉइंट किया गया एज कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। ये 4-time BJP के MP थे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हरिपुर, और इन्हें कमेंस किया गया इन द टेरिटोरियल आर्मी एज लेफ्टिनेंट बाय देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दलबीर एस सुहाग। जो किसे प्रमोट किया गया एज कैप्टन टेरिटोरियल आर्मी, दैट इज अनुराग ठाकुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन, कहाँ पे इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन किया गया। हमें ऑप्शन भी दिया, तेलंगाना, बीडियो दिल्ली, सीधे आगरा, डीडियो चेन्नई। सो ये ओपन किया गया तेलंगाना में। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव इन द कंट्री। हैदराबाद पुलिस इनॉग्रेटेड अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क एट गाजीबावली पुलिस सेंटर पुलिस स्टेशन। अमंग अदर सर्विस द डेस्क विल ऑल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग, लीगल एड, लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट, रेफरल लिंकेज टू वेलफेयर स्कीम्स इन पार्टनरशिप विद द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। सो ये इनिशिएटिव लिया गया हैदराबाद की पुलिस के द्वारा, जिन्होंने इनॉग्रेट किया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क गाजीबावली पुलिस स्टेशन में, और ये डेस्क प्रोवाइड करेगा काउंसलिंग, लीगल एड, लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट एंड रेफरल लिंकेज टू वेलफेयर स्कीम्स इन पार्टनरशिप विद द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल
सर्विस अथॉरिटी को। अब हम इम्पोर्टेंट डेज एंड इम्पोर्टेंट पीपल के बारे में वापस से बात करते हैं। सो जन औषधि वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च लेकर 7 मार्च तक, और इसकी थीम क्या थी, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। सो जन औषधि वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मार्च लेकर 7 मार्च तक, और इसकी थीम क्या है, जन औषधि सेवा भी। जन औषधि वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च लेकर 7 मार्च तक, और इसकी थीम क्या थी, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। सो जन औषधि वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मार्च लेकर 7 मार्च तक, और इसकी थीम क्या है, जन औषधि सेवा भी रोजगार। पॉल्यूशन, इस बार इन्होंने अब किस पे ध्यान दिया, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन पे ध्यान दिया। पद्मभूषण विनिंग पेंटर लक्ष्मण पाए हैज पास्ड अवे। लक्ष्मण पाए कौन थे, ये एक पेंटर थे पद्मभूषण। जन औषधि वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च लेकर 7 मार्च तक, और इसकी थीम क्या थी, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। सो जन औषधि वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मार्च लेकर 7 मार्च तक, और इसकी थीम क्या है, जन औषधि सेवा भी रोजगार। एम जी जॉर्ज मुथुट कौन है, ये चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर थे मुथुट ग्रुप के। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 मार्च को, और इसकी थीम क्या थी, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। लक्ष्मण पाए कौन थे, एक पेंटर थे और पद्मभूषण अवार्डी थे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कब एग्जाम में आ जाए। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और देश का भी नाम रोशन करिए।